एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी होगी। वो एकलव्य जिसने दूर से देखकर ही गुरु द्रोणाचार्य से तीरंदाजी के हुनर सीखे। आज हम आपको एक मॉडर्न डे एकलव्य की कहानी सुनाते हैं। आशुतोष अमन जो बिहार से हैं, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना गुरु माना और टीवी के जरिए उनसे सीखा कि मैदान के अंदर और मैदान के बाहर कूल कैसे रहा जाता है। पेशेंस की इस लॉन्ग डिस्टेंस स्टोरी ने बहुत ही जल्दी रंग दिखाया और 32 साल के इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने सर्विसेज के लिए अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया और अपने पहले ही सीजन में बिशन सिंह बेदी का 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एज इज जस्ट अ नंबर, जिंदगी के इस फलसफे को सच कर दिखाया है बिहार के लेफ्ट आर्म स्पिनर आशुतोष अमन ने। बचपन से क्रिकेट का शौक था, लेकिन गया जैसे छोटे शहर में क्रिकेट की सुविधाएं कम थीं। आशुतोष टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाए क्योंकि घर में पढ़ाई और नौकरी पर जोर था। 18 साल की उम्र में उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया और यहां आकर शुरू हुआ उनका क्रिकेटिंग सफर। वो सर्विसेज की टीम से खेलने लगे। एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन एज ए अकाउंट्स स्टाफ हुआ था और मेरी पहली पोस्टिंग जैसलमेर में थी, राजस्थान का पाकिस्तान के बॉर्डर पे है वो। तो वहाँ शुरुआत मैंने ऑफिस में काम करता था और शाम में प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर मैं मेहनत करता रहा तो बीच बीच में मुझे सर्विसेज के लिए भी मौका मिला, विजय हजारे खेलने का। सर्विसेज के लिए खेलते हुए आशुतोष को विजय हजारे टूर्नामेंट खेलने का मौका तो मिला, मगर रणजी खेलने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। बिहार लंबे वक्त तक रणजी सर्किट से बाहर था तो वापस घर जाने का मौका भी नहीं था। जब 18 साल बाद बिहार की टीम की रणजी में वापसी हुई तो आशुतोष के क्रिकेट करियर को मानो दूसरा जीवनदान मिला। बिहार को और पहले मान्यता मिली होती तो हम, मुझे और हमारे जैसे और भी कई क्रिकेटर हैं जो कि दूसरे स्टेट से कोशिश कर रहे हैं या फिर बिहार में ही मेहनत कर रहे थे। अगर और पहले मौका मिला होता हम लोगों को तो अभी हम सही, ये बात बिल्कुल सही है कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अभी खेल रहे होते। बिहार के साथ अपने पहले ही सीजन में आशुतोष ने 68 विकेट लिए। उन्होंने बिशन सिंह बेदी का 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। बेदी ने 1974-75 में 64 विकेट लिए थे। डोडा गणेश और कवलजीत सिंह के नाम सीजन में 62 विकेट लेने का मकाम हासिल है। आशुतोष ने अपने 68 विकेट 8 मैचों में 6.48 की औसत से लिए हैं। उन्होंने एक ओवर में सिर्फ 1.9 रन खर्च किए और हर 20वीं गेंद पर एक विकेट लिया। आशुतोष को एहसास है कि ये विकेट उन्होंने प्लेट डिवीजन में लिए हैं, इसलिए बिशन सिंह बेदी से उनकी तुलना बेमानी है। बिशन सिंह बेदी सर तो लीजेंड हैं और हम सबके इंस्पिरेशन हैं। मैं बचपन में जब काफ़ी छोटा था तो उनके वीडियोज़ देखता था, स्मूथ एक्शन और एक्यूरेसी और सब कुछ उनके पास था, तो उनको काफ़ी देख के हम सीखे और उनके तो हम लोग आसपास भी नहीं हैं, वो तो हमारे लिए पूजनीय हैं आप कह सकते हैं। 32 साल के आशुतोष अमन का भारतीय टीम में जगह बनाना मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट से मोहब्बत हो तो इंस्पिरेशन की कहां कमी है। हाँ, ये टीज जरूर है कि रणजी सर्किट में अगर बिहार की टीम की वापसी पहले हो जाती तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का सपना परवान चढ़ सकता था। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली तब आपने परफॉर्म किया और ये सिलेक्शन इंडिया टीम में या होना नहीं होना ये सेलेक्टर्स का देखना काम है। बाकी मैं तो परफॉर्म करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फिट रह सकूं। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो काफ़ी लेट आके भी और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट उन्होंने बनाया। माइक हसी हैं, केदार यादव जो अभी रेगुलर खेल रहे हैं, 10-12 साल डोमेस्टिक खेलने के बाद वो टीम में आए और अभी रेगुलर मेंबर हैं टीम के, हर इम्पोर्टेंट सिचुएशन पे वो परफॉर्म करते हैं। आशुतोष की सधी हुई लाइन और लेंथ उनकी खासियत तो है ही, उनकी बैटिंग भी टीम के लिए मददगार है। इस सीजन उन्होंने 48 की औसत से रन बनाए और एक शतक और अर्धशतक भी लगाया। खेल के मैदान पर आशुतोष महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही कूल रहना पसंद करते हैं। प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये एयरफोर्स के जॉब ने सिखा दिया है और यही उनकी पूंजी है जो उन्हें खुद से ये कहने की हिम्मत देती है कि अपना टाइम आएगा। मैं ज़्यादा कूल रहना पसंद करता हूँ, ग्राउंड में मुझे प्रेशर हैंडल करने में मज़ा आता है और बाहर भी मेरा व्यक्तित्व वैसा ही है। महेंद्र सिंह धोनी तो हमारे पूरे बिहार और झारखंड के रोल मॉडल हैं, तो उनसे ही सीखते हैं हम लोग ग्राउंड में काम और कूल रहना। आशुतोष फिलहाल बिहार की टीम से मुश्ताक अली टूर्नामेंट खेल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि
कि T20 क्रिकेट के लिए सेलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ जाए। Don't forget to like, share, subscribe and leave your comments in the comment section below. Click on the bell icon for notifications.